हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, कितनी एज है, क्या कॉन्फिडेंस? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? योगिता। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? सिक्स डे। ओके, और कितनी एज है आपकी? मेरी 48। 48 है। ओके, और इससे पहले कभी कार चलाई है आपने? नो सर। नहीं चलाई। स्कूटी चला लेती है? नो सर। साइकिल चला लेती है? नो सर। ना साइकिल स्कूटी कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधा कार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले गियर में दूसरे गियर में गाड़ी रोकना बढ़ाना सिखाया आपको, ठीक है, हाफ क्लच पे गाड़ी कंट्रोल करना सिखाया जी। और आज मैं आपको यू टर्न करना सिखाऊंगा, क्योंकि जो स्टीयरिंग का 90 डिग्री का रोल होता है ना, वो स्टीयरिंग यू टर्न पे ही पता चलेगा। बहुत सारे न्यू बिगिनर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि फुल स्टीयरिंग कहाँ पे टर्न करना होता है और हाफ कहाँ करना होता है और फुल स्टीयरिंग का रोल क्या है। तो फुल स्टीयरिंग हमें पता होना चाहिए ना कि कितना स्टीयरिंग घुमाने से, रोटेट करने से स्टीयरिंग फुल कट जाता है 90 डिग्री से। तो आज मैं 4-5 राउंड आपको यू टर्न के कराऊंगा, ठीक है? रेडी? तो सबसे पहले यू टर्न में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होता है। सीधा सीधा तो हमें सब कुछ दिख रहा है, पर यू टर्न के टाइम आने जाने वाले सारे लोगों को हमें देखना होता है। तो अभी मैडम आपको करना क्या है, गाड़ी आपकी एकदम स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है? यहाँ पे एकदम सीधी खड़ी है। अब ट्रैफिक चल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट का सिग्नल देना है। हो गया? अब अपने राइट वाले ORBM को चेक करो प्रॉपर। आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी की वजह से। अब पहले स्टीयरिंग को 90 डिग्री से राइट घुमाओ, 1.5 राउंड। पहले एक राउंड पूरा, अब ये एक राउंड हुआ है, ठीक है? समझने के लिए आराम से कर सकते हैं। अब हाफ राउंड और जाएगा। हो गया हाफ राउंड? अब इससे ज्यादा नहीं, इसको कहते हैं 1.5 राउंड, डेढ़ राउंड हो गया। अब इसको डेढ़ राउंड सीधा करो, वापस जितना आपने टर्न किया था उतना सीधा करो। ये हाफ राउंड रोक रोक के आराम आराम से, तभी तो समझ में आएगा। ये वापस पूरा फुल घुमा दो राइट, फुल घुमा दो राइट, फुल घूम गया। अब आराम से पहले हाफ राउंड सीधा करो, ये हो गया हाफ राउंड, ठीक है? बराबर 3-9 पे हाथ रखो, 3-9 हो गया। अब फिर एक राउंड सीधा करो। मैडम इधर करोगे ना, उल्टा क्यों कर रहे हो? और अब ये सीधा हो गया। और योगिता जी ना, स्टीयरिंग को देखना नहीं होता है। अगर आप बिजी रास्ते पे ट्रैफिक में चल रही स्टीयरिंग देखने लगोगे तो अगले बंदे ने अगर ब्रेक लगा दी तो फिर क्या होगा? तो कोशिश ये करना कि स्टीयरिंग को देखने की जरूरत ना पड़े। अब फिर राइट घुमा दो, आप 1.5 राउंड घूम गया 90 डिग्री से। अब राइट का सिग्नल दो, क्योंकि सिग्नल आपका ऑटो कट हो गया, बंद हो गया। अब पहले ब्रेक को रिलीज करना है, फिर हाफ क्लच, और नजर आपकी वहां रहनी चाहिए उस साइड। हाँ, अब जाओ धीरे धीरे, चलो। हॉर्न भी बजा सकती हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आने जाने वाले लोग अलर्ट हो जाए। अभी चलो, छोड़ो हाफ क्लच, छोड़ो, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए जरा सा भी। फुल टर्न रहे दो, स्टीयरिंग को फुल घुमा के रखो, फुल। हाँ, आप हल्का सा हॉर्न भी दे सकती हैं, बस धीरे 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 धीरे। हाँ, एक टायर आपकी गाड़ी का नीचे उतर गया, चलो अब स्टीयरिंग को सीधा करो फटाफट, बस हो गया। हाँ, अभी अपना लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट, क्योंकि ज्यादा राइट जाओगे तो पीछे से आने जाने वाले लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आप चल रहे हो एकदम जीरो की स्पीड में, है ना, वो लोग फास्ट निकल रहे हैं तो फिर वो डिस्टर्ब करेंगे। हल्का राइट रखो, समझ में आया ना स्टीयरिंग? क्योंकि सीधा सीधा चलाने में हमें 90 डिग्री स्टीयरिंग घुमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। और होता क्या है, जो न्यू बिगिनर होते हैं उनको कभी यही नहीं पता चलता कि स्टीयरिंग के फुल राउंड कितने होते हैं और फुल कितना टर्न करना होता है और कितना हमें सीधा करना होता है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके कई फायदे हैं, एक तो आपको पार्किंग में कार लगाने के लिए आपको फुल स्टीयरिंग को घुमाना होता है, एक यू टर्न करने के लिए, एक खड़ी गाड़ी को पोर्च में खड़ी करने के लिए यू टर्न का रूल होता है। तो वो हमें आइडिया होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, है ना। हल्का सा लेफ्ट आओ, लेफ्ट आने के लिए अपने लेफ्ट वाले ORBM को देखना जरूरी होता है, ठीक है? अभी सीधी करो स्टीयरिंग, बस ज्यादा राइट घुमा दिया आपने। स्टीयरिंग बार बार आप देख रही है मैडम, इसलिए आपका रोड का जो व्यूज है ना वो हट जा रहा है। अगर आप स्टीयरिंग देखेंगी तो आपको रोड का अंदाजा कैसे मिलेगा? रोड को आपको देखना पड़ेगा ना, रोड को देख के गाड़ी को संभालना है, ना कि स्टीयरिंग को देख के संभालना है। कुछ लोग होते हैं जो न्यू ड्राइवर, वो हमेशा स्टीयरिंग देखने की आदत डाल लेते, फिर उनकी आदत हटती नहीं है, वो हमेशा उनको स्टीयरिंग देखना पड़ता है।
तो आप अभी जैसी आदत बनाएंगे योगिता जी वैसे ही बनेगी जी। तो आप मेरा मानना ये कि स्टीयरिंग को कोशिश करें, दो दिन में संभले, तीन दिन में संभले, पर स्टीयरिंग को देखने की आदत न डालें। यस सर। क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है। यस। नाइट में आप कार चला रही तो स्टीयरिंग कैसे देखेंगी? दिखेगा नहीं सर। फिर स्टीयरिंग गियर और क्लच और ब्रेक ये ब्लाइंड होता है, इसको बिना देखे करना होता है। और हल्का लेफ्ट आओ, अभी लेफ्ट आओ हल्का, और बस यहाँ पे स्टॉप करो पूरा, क्लच देन ब्रेक स्टॉप। अब देखो स्टीयरिंग आपका टेढ़ा है, गाड़ी जब भी रोकते तो स्टीयरिंग एकदम सेंटर में होना चाहिए, ये सीधा होता। अब टेढ़े स्टीयरिंग की वजह से देखो क्या हुआ है, ये देख रहे हैं आप, अगला हिस्सा आपका टकराने वाला था, ये देख रहे हो, जरा सा बचा है बस हल्का सा, अभी ये भिड़ जाती है आपकी गाड़ी, क्योंकि आपने अपने लेफ्ट वाले ORBM को देखा ही नहीं, अपने फ्लैग रॉड को देखा ही नहीं, आप स्टीयरिंग ही को देखती रह गई। ऐसा है नहीं है, गाड़ी आपकी टेढ़ी खड़ी है। अगला हिस्सा देखो, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, लगभग 6 इंच का, और इधर अगर आप देखोगे इस साइड तो लगभग ये देखो ज़्यादा स्पेस है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए आपकी जो मदद है वो लेफ्ट वाला ORBM आपकी बहुत मदद करता है इसमें। ठीक, अब आपको राइट का सिग्नल देना है, आप पहले 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा लो पूरा, स्टीयरिंग नहीं देखनी है योगिता जी, आप बार बार वही गलती कर रही, मैं मना कर रहा हूँ। अभी इसमें देखने की क्या जरूरत थी बताइए, जब हमें पता है 1.5 राउंड 1.5 राउंड में स्टीयरिंग पूरा टर्न हो जाता है तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं। पर आप आदत अगर गलत डालेंगी तो फिर नुकसान आपका होगा। अभी पहले ब्रेक को छोड़ो, फिर राइट वाले ORBM को देखो और हॉर्न पे हाथ रखो, एक बार लॉन्ग हॉर्न पुश कर दो ताकि आने जाने वाले लोग अलर्ट हो जाएं। अब राइट दबाओ जाओ, चलो पहले ब्रेक छोड़ना फिर हाफ क्लच, कटी रहन दो, फुल कटी रहन दो। अब सीधी कर लो वापस, वेरी गुड, इस बार आपने स्टीयरिंग नहीं देखा, गुड, बहुत बढ़िया। देखो इससे पहले जब मैंने आपको यू टर्न कराया था तो वहां पे रोड थोड़ा ज्यादा चौड़ा था, पुल को पूरा क्रॉस करके करवाया था, वहां रोड की चौड़ाई लगभग 60 फीट थी। यहाँ जहाँ से अभी मैंने कराया तो यहाँ पे रोड की चौड़ाई 40 फीट थी लगभग। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए कि कम जगह में और ज़्यादा जगह में तो बहुत इजीली आप स्टीयरिंग को घुमा के सीधा कर सकते हैं, लेकिन बात आती कम जगह में। और लेफ्ट आओ हल्का, है ना, लेकिन इस बार आपने स्टीयरिंग सीधा जाना है, ट्रक को क्रॉस करके रोकना है, इस बार आपने स्टीयरिंग को नहीं देखा। जब ऐसे ही आप 2-3 बार करेंगी तो आपकी आदत जो है स्टीयरिंग को देखने की हट जाएगी। न्यू ड्राइवर के साथ ये दिक्कतें आती हैं, है ना, उसको ये लगता है कि स्टीयरिंग को देखेंगे तो उसका हमें आइडिया लग जाएगा, पर वो गलत आदत, गलत हैबिट पड़ रही है हमारी। हल्का लेफ्ट आ जाओ, अब इस लेफ्ट वाले ORBM को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। और लेफ्ट आओ हल्का, हाँ, और बस अब सीधी करो स्टीयरिंग, हल्की सीधी करो, और सीधी करो, और बस अब यहाँ स्टॉप करो पूरा क्लच देन ब्रेक, अब स्टीयरिंग एकदम सीधा करो, एकदम सीधा, ये हो गया। अब पहिया आपका एकदम सीधा है, देखेंगे तो पहिया जो है एकदम बाहर जरा सा भी निकला नहीं है, 1% भी। ठीक है, अब आपको फिर यू टर्न मारना है तो पहले राइट का सिग्नल दो, और यू टर्न के टाइम अपने राइट वाले ORBM को, लेफ्ट वाले ORBM को और लुकिंग ग्लास को, इन तीनों को आपको देखना है। ठीक है, ये अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब आप वापस स्टीयरिंग पूरा 90 डिग्री से घुमा लो, हाँ, गुड। 90 डिग्री स्टीयरिंग घुमाने के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, पूरा राइट घुमा दो, घूम गया। yes, sir. अब आप राइट का सिग्नल दे दी, लॉन्ग हॉर्न पुश करो एक बार, लंबा हॉर्न, बस अब ब्रेक को रिलीज करो और हाफ क्लच छोड़ो। ये हाफ क्लच पे ही गाड़ी चल रही है। yes, sir. क्योंकि हाफ क्लच में ताकत रहती है, फर्स्ट गियर सबसे ताकतवर गियर होता है। धीरे 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 धीरे, हाँ जाने दो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, हाँ वो निकल जाएगा तब तक, चलो खिसकाओ धीरे धीरे, वेरी गुड, धीरे धीरे हाफ क्लच पे धीरे धीरे जाओ, क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है ना, आप चलो डरो मत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सीधी करनी स्टार्ट करो, सीधी करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आधी गाड़ी टर्न होने के बाद सीधा करना स्टार्ट करोगे तो आप अपनी लाइन में आ जाओगे लेफ्ट में, अगर ज्यादा गाड़ी आगे निकल गई फिर सीधी करोगे तो आप बीच में जाके फिर लेफ्ट आओगे, तो उतने में क्या होगा, कुछ लोग लेफ्ट से ओवरटेक करने लगते हैं जो फास्ट चल रहे हैं, तो वहां एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेफ्ट आओ, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो हम बीच रोड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच रोड पे जाने का मतलब है पीछे वाले ट्रैफिक को, सामने वाले ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, है ना। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ, अभी राइट रखो,
हल्का राइट रखो, वेरी गुड, और लेफ्ट आओ थोड़ा सा, अभी सीधी करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो रोड की चौड़ाई है वो कम है, जहाँ से मैंने आपको यू टर्न कराया था यहाँ पे लगभग 40 फीट की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले मैं लेफ्ट आओ, अब अगली अगर वहीं से लेके चलना है अभी जहाँ से इससे पहले कराया था, हल्का लेफ्ट आओ, पत्थर पे चढ़ रही है बस। हाँ, अब राइट रखो थोड़ा, जाने दो जी। और लेफ्ट आओ, जैसे जैसे बस अपने लेफ्ट वाले ORBM को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हल्का राइट रखो बस, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट बस। अभी यहाँ पे रुकना है, पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, बस हो गई स्टॉप। अब देखो यहाँ पे रोड की चौड़ाई ज्यादा है, ये लगभग लगभग 50 से 60 फीट समथिंग है, और वहां जहाँ पुल पे आपने किया था 40 फीट, तो जितनी ज्यादा चौड़ी रोड होती उतना वहां पे आसानी होती करना, जितनी कम जगह होती वहां पे टफ होता है। अब राइट का सिग्नल फिर दो आप, ठीक है। गियर यहाँ पे फर्स्ट ही है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट गियर में ही यू टर्न करना चाहिए। अगर आप न्यू बिगिनर हैं, न्यू लर्नर हैं, तो आपको फर्स्ट गियर में ही करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले स्टीयरिंग को पूरा घुमाना है 90 डिग्री से, हो गया। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे ही है फुल टाइम, ब्रेक दबाना ना दबाना एक अलग मैटर। अब हाफ क्लच छोड़ो और अपने राइट वाले शीशे को देखते हुए और हॉर्न बजाते हुए निकालो, चलो धीरे धीरे, जाने दो जाने दो, जाओ 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 जाओ, गुड 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 गुड। जब आपने सिग्नल दे दिया तो आने जाने वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी सीधी करो स्टीयरिंग बस, क्योंकि ज्यादा आगे जाते तो दिक्कत होती, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे जाते तो दिक्कत होती, इसलिए अपनी साइड में ही रखना। हाँ, जाने दो धीरे धीरे, हेलो जी, कोई बात नहीं, आ जाओ, हल्का लेफ्ट आ जाओ। हाँ, और हल्का लेफ्ट। हाँ, अब ये जो सामने देखो राइट को पॉलिथीन पड़ी, इसको दोनों टायरों के बीच में ले लो, हल्का लेफ्ट आ जाओ, गुड, और लेफ्ट आओ। अब यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक। आप अभी फर्स्ट गियर में चल रही है ना, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को रोकने के लिए सबसे पहले क्लच दबाना होता है, क्योंकि क्लच से इंजन और गियर की जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फुल क्लच का मतलब ये होता है कि जो गियर आपका ये एक्टिव था ये डीएक्टिवेट हो गया, बट गाड़ी अभी गियर में है, यहाँ से गियर में है, लेकिन इंजन से गियर फ्री हो गया क्योंकि आपने पूरा क्लच दबा लिया। तो जब भी गाड़ी को फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में रोकना होता है, फर्स्ट और सेकंड गियर में रोकना है, तो आपको पहले पूरा क्लच फिर ब्रेक, क्योंकि क्लच से इंजन फ्री हो जाता है, इंजन सप्लाई देना बंद कर देता है, ब्रेक से हल्का ब्रेक लगाओगे गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है, प्रॉपर रोकने के लिए। अब आपने गाड़ी रोकी, अब इसको न्यूट्रल करो गियर को हल्का सा, बस हो गया। अब ये किसी भी गियर में नहीं, फ्री है, अब आप क्लच और ब्रेक को रिलीज कर सकती हैं, हो गया। अब गाड़ी कहीं चल नहीं रही है, हालांकि ढलान है, ये बढ़ सकती है आगे, ठीक, वापस बढ़ाना है, पूरा क्लच दबाओ फुल, फिर फर्स्ट गियर डालो, वेरी गुड। गियर एकदम मक्खन की तरीके से लगता है, लेकिन कब, जब आपका पूरा क्लच दबा हो तब, पूरा क्लच दबा होना चाहिए, गियर का डायरेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अभी आप ब्रेक को रिलीज करो और हाफ क्लच छोड़ो, 2 मीटर गाड़ी बढ़ानी है, फिर पूरा क्लच दबा के देन ब्रेक ले लेना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच और ब्रेक हल्का सा स्टॉप, बहुत प्यार से। लेकिन योगिता जी, स्टॉप करते वक्त आपको राइट वाले ORBM पे भी देखना है, लेफ्ट वाले, ताकि आपको ये भी तो क्लियर हो कि आपके ऐसा तो नहीं आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही और आपने अचानक ब्रेक लिया और उसने भिड़ा दिया, है ना, फिर वापस ब्रेक को रिलीज करो। एक चीज का हमेशा ध्यान देना कि जब भी कार को फर्स्ट गियर में आप बिना एक्सीलेटर के मूव करते हैं तो ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, अगर जरा सा भी ब्रेक दबा होगा तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक होता है। अभी ब्रेक को फ्री करो और हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी लेफ्ट साइड अपनी साइड मेंटेन करके चलना है आपको, ठीक है, हल्का राइट रखो, वेरी गुड, और लेफ्ट आओ, बहुत बढ़िया, सीधी रखो, हल्का राइट, पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, क्योंकि देखो उन्होंने जो टियागो वाला है वो रोक रहा है आपके आगे, उसने रोक दिया, रोक दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपकी गाड़ी से उसकी गाड़ी का डिस्टेंस कितना है, क्या आइडिया लग रहा है आपको, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ब्रेक छोड़ो, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये जज करना है, जाओ ब्रेक छोड़ो, थोड़ा सा आगे और जाओ, और जाने दो। हाँ,
फिर पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लो। अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी स्पेस कितना है आपके पीछे? लगभग 6 से 8 फीट। अभी और गाड़ी आगे बढ़ानी है, मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद गाड़ी नहीं बढ़ानी चाहिए। जाओ धीरे से और जाओ धीरे से। कैसे हैं और बताएं, चल रही है गाड़ी? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं चला ले रहा हूँ सर आपके सौजन्य से। कितने दिन सीखा था आपने मेरे से? हमने केवल 15 दिन सीखा था सर। और कब टाइम लिया था मेरे से, कितने टाइम पहले? करीब 3 महीना हो रहा होगा। 3 महीने हो रहा। नई गाड़ी निकलवाई थी आप? बिल्कुल नई गाड़ी। कितने किलोमीटर चला चुके हैं अब जब से आपने ली? 1500 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही चलाने? दिक्कत नहीं, और मैं इतना बढ़िया सर चला। वेरी गुड, चलिए धन्यवाद देने के लिए सर आया। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और ऐसे ही चलाते रहिए, सेफ रहिए और बस ऐसे मुस्कुराते रहिए। चलिए ओके ओके ओके। तो आपने देखा मैडम, अभी थोड़ा सा गाड़ी और बढ़ानी है, हल्का सा थोड़ा सा। हाँ फिर पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक। बहुत बढ़िया। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी थोड़ी सी गाड़ी और आप बढ़ा सकते हो। जो नेम प्लेट है वो दिखनी जब बंद हो जाए तो समझ लो अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ानी। अभी और बढ़ाओ थोड़ा सा, और बढ़ाओ, बट वो गाड़ी चली गई। देखो उन्होंने क्या करा, राइट का सिग्नल दिया जी। ये मेरे सिखाए हैं। 90% लोग सिग्नल नहीं देते, बिना सिग्नल गाड़ी बढ़ा लेते हैं, और इससे जो पीछे से बंदा आ रहा होता है वो भिड़ा देता है। समझ रहे? सिग्नल देने का मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखा पीछे कोई नहीं था, लेकिन आपने देख लिया, लेकिन जो पीछे वाला आ रहा है उसने तो नहीं देखा ना, उसको तो ये क्लियर नहीं हो पाया ना। तो इसलिए जब आप सिग्नल देते हैं तो पीछे वाला भी अलर्ट हो जाता है। अभी लेफ्ट में गाड़ी रोकनी है तो पहले लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हल्के हाथों से। हाँ जाने दो, और लेफ्ट आओ। हाँ बस सीधी रखो, बस और राइट रखो, और राइट, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप करो, फुल क्लच देन ब्रेक। हाँ अब इसको न्यूट्रल करो गाड़ी को, हो गया। स्टीयरिंग सीधा रखो 3 और 9। अभी वाइपर ब्लेड ऑफ करो, यहाँ से इसको ऊपर कर दो, ऊपर, बस हो गया। अभी हैंड ब्रेक डालो गाड़ी में, हो गया। अब क्लच और ब्रेक को छोड़ दो, अब इंजन ऑफ कर दो, अपनी ट्रिप की वापस घुमा लो। गुड, आप मुस्कुराइए। लखनऊ में कैसा लगा आप बताइए आज चला के? मैं आपको गाड़ी दौड़वा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बारीकियां सिखा रहा हूँ। आपको अपने घर से के पोर्च से निकालने के लिए थर्ड फोर्थ गियर नहीं चाहिए, फर्स्ट गियर और बैक गियर चाहिए, ठीक है। गलियों में चलाने के लिए स्पीड नहीं चाहिए, पर कंट्रोलिंग आनी चाहिए। हाफ क्लच किसे कहते हैं, फुल क्लच किसे कहते हैं, फुल क्लच पे कितना ब्रेक लेना है, हाफ क्लच पे कितना ब्रेक लेना, ये टेक्निकल चीजें मैं आपको बारीकियां टिप्स बता रहा हूँ। इसके बाद गाड़ी आप ऐसी चलाएंगे कि लगेगा कि आप बचपन से चला रही हैं। यस सर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।